अल्लाह गरीक रहमत करे जनरल जियाउल हक शहीद को, जिसने बलूचिस्तान में अलहदगी और सिंध में जिए सिंध की शोरिश पर काबू पाने के लिए ऐसी हिकमत अमली अख्तियार की के दुनिया हैरान रह गई। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे इक्तदार में बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक आज से कहीं ज्यादा जोरों पर थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने तमाम मुखालफीन को पकड़ो और मारो की पॉलिसी के तहत अव्वल दिन से जेर एताब रखा हुआ था। यही कुछ बलूचिस्तान में भी किया तो बड़े बड़े बलोच सरदार बागी हो गए, फिर फौजी ऑपरेशन शुरू करवा दिया गया। साथ ही हैदराबाद ट्रिब्यूनल कायम करके बलोच सरदारों पर बगावत और गद्दारी के मुकदमात शुरू कर दिए गए। यूं मुल्क भर में अफरा तफरी और अनार्की का दौर दौरा था। साथ ही हर हाल और हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के रसिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुखालिफीन के खिलाफ ताकत का मुसलसल बेदरेग इस्तेमाल किया। इसी दौरान भुट्टो ने अपनी जेरे निगरानी इंतखाबात में अपनी मर्जी के नताइज निकलवाए तो मामला और बिगड़ गया और पूरा मुल्क फितना फसाद में जलने लगा। थक हार कर फौज के सरबरा जनरल जियाउल हक ने मुल्क को संभालने का फैसला किया, जिसके चंद ही माह बाद हर तरफ मुकम्मल अमनो सुकून हो गया। जनरल जियाउल हक क्योंकि फौजी सरबरा थे और बलूचिस्तान ऑपरेशन की हकीकत से बखूबी वाकिफ थे, सो वो सीधे बलोच सरदारों के पास जेल में उनसे मिलने जा पहुंचे, उनके पास बैठकर दिन का खाना खाया और अताउल्ला मैंगल, सरदार मरी, वली खान वगैरह को न सिर्फ रहा करके उन्हें मुहिब वतन कहकर पुकारा बल्कि हैदराबाद ट्रिब्यूनल सिरे से ही खत्म कर दिया। दुश्मनों ने इस पर बहुत ले देखी के गद्दार और कातिल रहा कर दिए गए, लेकिन शहीद जियाउल हक ने सिर्फ मुल्क के मुफाद को पेश नजर रखा और किसी की परवाह न की। साथ ही उन्होंने सारी फौज बलूचिस्तान से वापस बुला ली। वो दिन और फिर 25 साल बलूचिस्तान में मुकम्मल अमनो सुकून रहा। सूबे से अलहदगी और बगावत का सिरे से नाम ही खत्म है कर रह गया। तभी तो वली खान अपनी बेगम के हमरा मिठाइयों के टोकरे लेकर इस्लामाबाद ऐवान सदर पहुंचे थे। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ का इक्तदार आया और 2003 में एक बार फिर बलूचिस्तान में बगावत और जंग के शोले भड़क उठे, जो आज इस हाल तक जा पहुंचे हैं कि अमरीका करारदाद तक ले आया। यही जनरल जियाउल हक थे कि जिन्होंने इस जे सिंध तहरीक के बानी सरबरा जीएम सैयद से उनके आबाई इलाके सुन सिंध में इसके घर जाकर मुलाकात की, इसे सीने से लगाया और वहां ऐसी गुफ्तगू की कि वो दिन और फिर 25 साल सिंध में जे सिंध तहरीक का सिर्फ नाम रह गया और कभी कहीं कोई अलहदगी की बात तक ना हुई। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जनरल जियाउल हक शहीद को इस फहम व फिरासत से नवाजा था कि उन्होंने अंदरूनी बागी अनासिर की दिलजुई की और उन्हें अपने साथ मिला लिया और 11 साल तक मजबूत व मुस्तहकम हुकूमत की। खामोशी से पाकिस्तान को असलहे से मालामाल कर दिया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया, अफगान जिहाद की पुश्त पनाही करके दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों के दिल जीत लिए। अक्वाम मुत्तहिदा में कुरान पाक की पहली बार तिलावत करवाने का शर्फ हासिल किया और वहां पूरी इस्लामी दुनिया की नुमाइंदगी की।